हाय गुड इवनिंग गुड गुड आफ्टरनून जो भी आपको समझ आए वेलकम टू द क्लास ऑफ आईयूपीएसी आईयूपीएसी पी एस सी आई यू पी एस चलेगा अब रोजाना आपकी क्लासेस होंगी ढाई बजे ठीक है वेलकम टू द क्लास हमने कुछ आईयूपीएसी के रूल्स पढ़े थे बच्चों आईयूपीएसी uh, के रूल्स में हमने आपसे uh, बताया था आपको कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होना चाहिए और उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में भी मैक्सिमम ब्रांचेस होने चाहिए यही बताया था ठीक है कुछ लोग लिख रहे हैं कि देख रहा है विनोद कैसे रोज स्मार्ट होते जा रहे है। <laughs> thank you, thank you. Uh, करते हैं थैंक यू okay. तो मैं शर्ट पहन के ना हूं आपका कहने का मतलब है मैं बहुत ज्यादा ही स्मार्ट लग रहा हूँ क्या <laughs> चलो ठीक है uh, आपसे रेगुलर होगी आपकी क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना अमेजिंग से क्लास बस उसमें हम ना लोएस्ट लोकेंट रूल मैंने आपको कराया था क्लियर लोएस्ट लोकेंट रूल कराया था केमिस्ट्री के बादशाह वाला बादशाह नहीं बोल देते केमिस्ट्री के लगा के थोड़ा ठीक कर देते हो चलो स्टार्ट करें सब सही है ऑल गुड परफेक्ट आवाज वीडियो सब अच्छा है आप लोग एडजस्ट कर गए जिसको ज्वाइन करना था ज्वाइन कर गए 60 सेकंड्स या 90 सेकंड्स में देता हूं ताकि सब लोग आ जाएं एक जगह बैठ जाएं

रूल टू लोएस्ट लोकेंट रूल भी हुआ अब आ जाओ अब आ जाओ यहां पे लोकेंट की बात करते हैं लोएस्ट लोकेंट में ना सबसे पहले कुछ एक क्वेश्चन देता हूं और फिर मैं लोएस्ट लोकेंट रूल को आगे बढ़ाऊंगा सबसे पहले कुछ क्वेश्चन आपको दू तो आप जैसे मान लो आपके पास ये रहा सीएच थ्री ये रहा देखो सीएच टू तीसरा कार्बन चौथा कार्बन पांचवा कार्बन छठा कार्बन, कार्बन बहुत बढ़िया फोर्थ कार्बन पे आके लगा है यहां पर सीएच टू और फिर लगा है यहां पे पर सीएच थ्री ना बोलो अब मुझे आप बताओ नंबरिंग कैसे करोगे मुझे आप इस क्वेश्चन में बताओ नंबरिंग लेफ्ट से करो नंबरिंग राइट से करो तो मैं नंबरिंग एक बार लेफ्ट से भी करता हूं राइट right से भी करता हूं पता लग जाएगा कौन गलत है कौन सही है आ जाओ जब मैं नंबरिंग लेफ्ट से करूंगा इट इज वन इट इज टू इट इज थ्री इट इज फोर नंबरिंग लेफ्ट से करने पे आ रहा है फोर अब नंबरिंग राइट right से करते हैं तो इट इज वन इट इज टू इट इज थ्री यार किधर से जाने पे कम नंबर आ रहा है वही तो लोएस्ट लोकेंट रूल है मैं नंबरिंग उधर से करता हूं जिधर से कम नंबर मिले सबस्टिट्यूएंट को या साइड चेन को कम से कम नंबर मिले तो मैं क्या करूंगा लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से मैं लेफ्ट से ना करके राइट right से नंबर कर दूंगा ठीक है यहां पे दिस फॉलोज लोएस्ट लोकेंट रूल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है दिस फॉलोज लोएस्ट लोकेंट रूल यहां पे आओ ये क्या है आपके पास दिस इज थ्री इथाइल ये क्या है आपके पास थ्री इथाइल नाम भी लिखने लिखते चलते हैं नाम भी लिखते चलते हैं नाम में क्या रखा है आओ प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स ये पूरे आईयूपीएसी को तीन लेटर में फिनिश कर देंगे अपन प्रीफिक्स में भी टू डिग्री प्रीफिक्स फिर आएगा वन डिग्री प्रीफिक्स फिर आएगा वर्ड रूट फिर वन डिग्री सफिक्स एंड टू डिग्री सफिक्स सुनो यहां पर बात अब आ जाओ तो टू डिग्री प्रीफिक्स की क्या कहानी है

उसके बाद वन डिग्री सफिक्स में क्या आएगा एन आएगा कि ई आएगा कि आई आएगा तो सिंपल हो गया वन डिग्री सफिक्स में आपके पास हेक्स एन आएगा उसी तरह टू तो डिग्री सफिक्स यहां पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि का आपके पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है ठीक है क्लियर है अब जो थर्ड कार्बन है बस यहां पे कार्बन के पांच बॉन्ड बन जाएंगे अगर आप सी एच टू रखेगे इसलिए सीएच आएगा बोलो हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है आ जाओ अब जैसे क्या होता है मान लो एक क्वेश्चन ये देता हूं अब नया ये तो पुराना हम पढ़ चुके हैं लो लो अब ये क्वेश्चन ये देता हूं कि ठीक है, 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 है और फिर सी एच थ्री लग जाएगा नीचे भी आपके पास बेटा सी एच थ्री लग रहा है ठीक है अब मुझे बताओ लेफ्ट से नंबरिंग करोगे कि राइट से नंबरिंग करोगे लेफ्ट से नंबरिंग करोगे कि राइट से नंबरिंग करोगे बोलो हाँ ना क्लियर अब यहां पे आओ जब आप इसको लेफ्ट से नंबरिंग करने वाले हो तो बेटा यहां पे आएगा लेफ्ट से नंबरिंग करोगे वन टू देखो यहां पे लेफ्ट से नंबरिंग कर देते हैं वन टू थ्री फोर फाइव यही होगा लेफ्ट से नंबरिंग करने पे तो सब्सटीटेंट क्या क्या लिखोगे टू कॉमा टू कॉमा फोर दो पे दो सब्सटिट्यूंट है इसलिए टू कॉमा टू लिखोगे एंड देन फोर लिखोगे हाँ ना अगर मैं राइट से नंबरिंग करता तो या था वन टू थ्री फोर फाइव अगर मैं राइट से नंबरिंग करूं तो टू फोर कॉमा फोर आ रहा है अगर मैं राइट से नंबरिंग करूं तो बेटा टू कॉमा फोर कॉमा फोर आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं राइट से नंबरिंग कर रहा हूं तो टू कोमा फोर कॉमा फोर आ रहा है बिल्कुल सही है ना चलो तो यहां पे आप सीधा सीधा बेटा लिख सकते हो अब देखो मैं वापस से नेमिंग पे आता हूं नंबरिंग हो गया नाम पर लिख दो क्या मैं लिख सकता हूं टू कॉमा टू डाई मिथाइल नहीं नहीं लिख सकते हो आप लिखोगे टू पे भी मिथाइल है टू पे भी मिथाइल है फोर पे भी मिथाइल है तो आप लिखोगे टू कॉमा फोर ट्राई मिथाइल राइटोगे ट्राई मिथाइल बहुत बढ़िया टू कॉमा टू कॉमा फोर ट्राई मिथाइल हां बच्चों क्लियर हुआ तो टू टू फोर ट्राई मिथाइल अब क्या लिखोगे बेटा वर्ड रूट आ गया पेंट वन डिग्री सफिक्स आ गया एन बोलो है ना। वन डिग्री प्रीफिक्स और टू डिग्री सफिक्स यहां पे संभव नहीं है क्लियर हो रहा है क्लियर हो रहा है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आइए अब जैसे ये वाला एक क्वेश्चन देते हैं जैसे ये वाला एक क्वेश्चन देते हैं यहां पर और इसी को लोग बोलते हैं लोएस्ट मतलब लोएस्ट सम रूल मतलब एक आता टू टू फोर एक आ रहा है टू फोर फोर तो अगर लोएस्ट लोकेंट रूल फेल करता है तो लोएस्ट सम रूल आता है अगर लोएस्ट लोकेंट रूल फेल करेगा तो लोएस्ट सम रूल आएगा बिल्कुल क्लियर है कोई प्रॉब्लम नहीं है समझ में आ रहा होगा ये तो अंडरस्टूड है आ जाओ जैसे ये वाला क्वेश्चन करते हैं 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, चलो 9, 8, 7, 6। पे हमने लगा दिया इथाइल फोर पे हमने लगा दिया मिथाइल कोई दिक्कत नहीं है आ जाओ समझ में आया आ जाओ इधर से नंबरिंग करोगे आपको मुझे बताना है लेफ्ट से करें कि राइट से करें मेरा मानना है दोनों से करके देख लो लेफ्ट से करें कि राइट right से करें देखो मेरा मानना है दोनों से तो देखो अब मैं लेफ्ट से कर रहा हूं तो भी फोर यहां पे क्या आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 6 पे आ रहा है अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग कर रहा हूं तो फोर रहा है अगर मैं बेटा राइट हैंड साइड से नंबरिंग करूं तो भी काउंट करोगे तो फोर कॉमर सिक्स आ रहा है यार ये फोर कॉमा सिक्स फोर कॉमा सिक्स दोनों तरफ से आ रहा है फोर कॉमा सिक्स फोर कॉमा सिक्स दोनों तरफ से आ रहा है अब कैसे करें जब कोई भी दिमाग ना चले लोएस्ट लोकेंट रूल भी फेल हो जाए Lowest sum rule भी फेल हो जाए तो क्या चलेगा आपके पास अल्फाबेटिकल रूल ठीक है ना लोएस्ट लोकेंट रूल नहीं काम किया lowest sum rule नहीं काम किया तो कौन काम करेगा लोएस्ट लोकेंट रूल भी फेल कर गया लोएस्ट सम रूल भी फेल कर गया अरे बहुत बढ़िया मेरे प्यारे दोस्त सीधा सीधा आ जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है या अल्फाबेटिकल रूल आपका चल जाएगा यहां पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है चलो आ जाओ अब देखोगे इधर से राइट से जाओगे तो फोर पे मिथाइल है लेफ्ट से जाओगे तो फोर पे इथाइल है राइट से जाओगे तो फोर पे मिथाइल है और लेफ्ट से जाओगे तो फोर पे इथाइल है इथाइल का ई e विन हो गया मिथाइल का एम लूज कर गया अल्फाबेटिकल रूल में इथाइल का ई e पहले आएगा एम बाद में आएगा तो ई e वाले को प्रायोरिटी देते हुए उधर से नंबरिंग कर दिए तो यहां पे अब नंबरिंग करोगे और नाम जब भी लिखते हो उसमें तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही आता है नाम में कोई कभी कुछ सुनना ही नहीं है उसमें तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर आता है फोर इथाइल थ्री सिक्स कोई प्रॉब्लम नहीं है वर्ड रूट कितना है नाइन नॉन और वन डिग्री सफिक्स आ गया आपके पास एन बोलो क्लियर कोई प्रॉब्लम नहीं है महाराज बोलो वहां ना समझ में आया बोलो चलो ठीक है मजा आ गया मजा आ गया अब आगे बढ़ते हैं कुछ और सवालों पे आपको वैरायटी करते जाएंगे करते जाएंगे आ जाओ अब आ जाओ यहां पे सेकेंडरी प्रीफिक्स ठीक है ना अब आ जाओ बेटा सेकेंडरी प्रीफिक्स अब आते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स में एक क्वेश्चन करते हैं और फिर इस पे हम जाएंगे जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपके पास है CH2 पहले CH3 फिर CH2 फिर CH से यहां पे जुड़ा हुआ है CH2CH3 है ना आगे जाएगा सीएच टू आगे जाएगा सीएच ऊपर जा रहा है बेटा सी एच थ्री यहां पर जा रहा है सी एच टू और यहां पर जा रहा है सी एच थ्री कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब चलो बेटा यहां पर आ जाओ ये आप मुझे नोमेनक्लेचर करके बताओ लेफ्ट से नंबरिंग करें कि राइट right से नंबरिंग करें लेफ्ट से नंबरिंग करें कि राइट right से नंबरिंग करें सीधा समझ आया होगा सर हमें लेफ्ट से नंबरिंग करना पड़ेगा

थ्री इथाइल फाइव मिथाइल हेप्टेन कोई दिक्कत नहीं है समझ गए होंगे यहां तक थ्री इथाइल फाइव मिथाइल हेप्टेन हाँ या ना ऑल गुड चलो अब यहां पे आओ थोड़ा गौर फरमाना यहां, यहां पे आओ इस क्वेश्चन में जैसे व्हाट इज दिस दिस आगे जाएगा सीएच टू आगे जाएगा सीएच फिर आगे सीएच यहाँ पे सी एच थ्री ऊपर सी एच थ्री कोई दिक्कत नहीं है इस सी एच से नीचे जा रहा है सीएच आगे जा रहे हैं सी एच टू आगे जा रहे हैं CH2, फिर आगे जा रहे हैं CH3, एच देन अगले क्वेश्चन में आ रहा है CH2, फिर में आ रहा है CH2 और फिर आगे जा रहे हैं CH3। मुझे आप इसका नाम बताओ अब इसी में आपका पहले चेक हो जाएगा कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन समझ आता है कि नहीं फिर लॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा सब्सटूडेंट समझ आता है कि नहीं फिर लोएस्ट लोक रूल समझ आता है कि नहीं लोएस्ट सम रूल समझ आता है कि नहीं हाँ ठीक है ठीक है रानी कोई बात नहीं चलिए पढ़ते रहिए आज बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये ग्रे शर्ट है दिस इज अ ग्रीन शर्ट यहां अ ग्रीन कलर राइट तो इस वजह से ग्रीन और ग्रीन ना दिखता नहीं है सर इन कब ऐड करते हैं एन की प्लेस की जगह पे अंकिता जी वो बाद में आएगा पहले हम सेचुरेटेड पढ़ते हैं फिर अनसेचुरेटेड पढ़ेंगे ठीक है चलो जल्दी जल्दी करो इस क्वेश्चन को करो जल्दी जल्दी फटाफट से एवरीबॉडी जल्दी जल्दी करना है ऐसे काम नहीं चलेगा वो टेस्ट में नहीं आएगा ना सर नहीं बेटा आलिशा वो टेस्ट में नहीं आएगा ठीक है क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ सकते हैं चलो सात कार्बन है देखो कितने कार्बन है सात कार्बन है अब आठ है या नौ है या दस है देखो मैं ना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करता हूं एक दो तीन चार पांच छे सात दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कोई दिक्कत नहीं है थ्री पे बेटा आपको इथाइल दिख रहा है मजा आ गया थ्री पे बेटा इथाइल दिख रहा है बहुत बढ़िया <coughs> थ्री पे इथाइल के बाद बेटा टू पे मिथाइल दिख रहा है बहुत ही मजा आ गया <coughs> थ्री पे इथाइल है और टू पे मिथाइल दिख रहा है उसके बाद आएगा चार पे प्रोपाइल. मैंने हमेशा बोला है नंबरिंग कैसे आएगा नंबरिंग विल ऑलवेज बी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर थ्री टू मिथाइल फोर प्रोपाइल, बहुत समझ में आ गया, क्लियर है उसके बाद सात कार्बन के लिए हेप्ट आएगा और फिर आपके पास एन आएगा कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी तो नहीं है सात कार्बन के लिए हेप्ट आएगा और आपके पास एन आएगा कोई प्रॉब्लम परेशानी तो नहीं है ठीक है चलिए आगे बढ़िए होप आई होप यू आर गेटिंग वॉट आई एम सी राइट राइट चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये भी हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जैसे कि मान लीजिए ये सी एच थ्री है आपके पास सी एच टू है आगे सी एच है नीचे आ रहा है सी एच थ्री फिर आगे सी एच टू इतने सवाल करेंगे इतने सवाल करेंगे सोची ना होगी जल्दी करिए सी एच थ्री सी एच टू फिर सी CH, एच सी एस थ्री जल्दी जल्दी करिए किधर से नंबरिंग करेंगे ये बट ऑब्वियस हो गया होगा कि सर लोएस्ट लोक रूल के हिसाब से हम आ गए यहां पे। यहां पे हमने बड़ा क्लियर समझ लिया टू कॉमा फोर डाइमिथाइल हाई आना टू कॉमा फोर डाई मिथाइल हेक्सेन हाई आना नो प्रॉब्लम ऑल क्लियर है चलिए अब आ जाओ पीरियोडिक टेबल जितना पढ़ाया गया उतना ही आएगा आ जाओ अब आते हैं बेटा आपके पास अब आते हैं आगे लिखेगा नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सटीट्यूंट सबसे पहले आएंगे बेटा नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सुएंट की नेमिंग समझते हैं नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सटीट्यूंट तो नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूंट कैसे करते हैं आइए सबसे पहले यहां पे आएंगे सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ठीक है ना सी एच टू चार हो गया पांच हो गया सी एच फिर छठे कार्बन पे सी एच टू सातवें पे सी एच टू आठवें जिससे सी एच लगा है वहां पे लगेगा सी एच टू फिर आगे आ जाएंगे सी एच नॉट सी एच फिर आगे आ जाएंगे कार्बन फिर आगे आ जाएंगे सी एच थ्री फिर आगे आ जाएंगे सी एच थ्री देन आगे आ जाएगा बेटा सी एच थ्री कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूट देखते हैं ये पता नहीं कहाँ से आया नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट देखते हैं यू मस्ट ग्रांट परमिशन फॉर योर डिवाइस चलो चला गया वो रिव्यूटेबल आएगा जितना पढ़ाया गया उतना ही आएगा केमिकल बॉन्डिंग टेस्ट में है जितना पढ़ाया गया उतना ही आएगा और जो परिणाम वाले उनका जितना पढ़ाया गया उन परिणाम वालों का टेस्ट नहीं है चलो अगर कोई बच्चा परिणाम कहे चूंकि सबके पास सब एक्सेस है, इसलिए आओ पे। तो अब जब नंबरिंग करोगे सुनना। अब जब आप नंबरिंग करोगे, तो मेरे हिसाब से से लेफ्ट नंबरिंग कर दो। सेवन एट नाइन क्या होता है बेटा? फाइव पे पे आ आ रहा है। अब सुनो, इट इज वन यहां पर आएंगे थ्री

टू कॉमा टू डाइमिथाइल फाइव पे कॉम्प्लेक्सेंट है फिर क्या हो गया टू कॉमा टू डाइमिथाइल टू कॉमा टू डाइमिथाइल और ये वाला पार्ट क्या हो गया प्रोपाइल टू कॉमा टू डाइमिथाइल प्रोपाइल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है फाइव पे क्या है टू कॉमा टू डाइमिथाइल प्रोपाइल चलो नो no कार्बन है तो बेटा आ जाएगा नोनेन हाँ ना नो no कार्बन है तो आपके पास आ जाएगा नॉनेन टू कॉमा टू डाई मिथाइल कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है टू कॉमा टू प्रोपाइल नॉनेन चलो आ जाओ अब आ जाओ यहां पे टू डाइमिथाइल प्रोपाइल नॉनेन फाइव पे टू कॉमा टू प्रोपाइल नॉनेन कैसे आ रहा है अब देखो सबसे पहले मैं इन सबको भूल गया यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगा नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा वन टू थ्री अब टू पे क्या है टू कॉमर टू डाइमिथाइल लिख देंगे होल आ रहा है प्रोपेन बट चूंकि ये सब्सटेंट है, है इसलिए प्रोपाइल लिखेंगे क्लियर पेंटाइल अभी आइसो आइसोनियो में नहीं हैं बेटा अभी रुक जाओ तो फाइव में टू कॉमा टू डाइमिथाइल प्रोपाइल नोने आ गया मजा आ गया आइए जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ ये इस तरह का सब्सटिट्यूएंट आता है नाइन दिस इज एट दिस इज सेवन फिर आ जाएगा बेटा आपके पास सिक्स फिर आ जाएगा आपके पास फाइव फिर आ जाएगा आपके पास फोर फोर में आ रहा है आपके पास सी एच फिर आ रहा है सी एच थ्री फिर आ रहा है सी एच थ्री सी एच टू कार्बन यहां पे आ जाएंगे सीएच थ्री यहां पर आ जाएंगे सी एच थ्री यहां पर आ जाएंगे सी एच थ्री हाँ या ना आ जाओ आइसो नियो थोड़ी देर मतलब अभी रुको यार मुझे आप अपने हिसाब से पढ़ा नहीं दो ना क्यों रहे हो भगा भगा तो आप आप आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना होता है पहले तो ये तो प्रिंसिपल चेन है तो थ्री को आप ट्राई मिथाइल नहीं लिख पाओगे ठीक है ना ये तो प्रिंसिपल चेन है मिथाइल किसको लिखोगे जो साइड चेन की तरह एक्ट कर रहा है चलो यहां पे आओ तो इतना तो पता चल गया कि लेफ्ट से करने वाले हैं वन कॉमन टू कॉमन थ्री ठीक है फिर ये हो जाएगा फोर ये हो जाएगा फाइव हो जाएगा सिक्स हो जाएगा सेवन हो जाएगा एट हो जाएगा नाइन है ना क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है आ जाओ अब आ जाओ यहां पे टू कॉमा टू कॉमा सेवन ट्राई हुआ कि नहीं हुआ टू कॉमा टू कॉमा हुआ कि नहीं हुआ सो इट इज टू टू सेवन ट्राई हो गया

उसमें क्या होगा वन कॉमा वन फोर पे क्या होगा फोर पे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सिट्यूंट है वन पे क्या है बेटा मिथाइल ठीक है ना फोर पे कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सिट्यूंट है 1 पे है आपके पास मिथाइल। बहुत अच्छा। वहां पे आ गया मिथाइल वन मिथाइल एंड देन वन मिथाइल के बाद आपके पास आएगा प्रोपाइल तीन कार्बन है तो प्रोपाइल है ना फोर पे आएगा आपके पास वन मिथाइल प्रोपाइल कोई परेशानी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके बाद आएगा टू टू सेवन ट्राई मिथाइल टू टू सेवन ट्राई मिथाइल एंड देन आपके पास आएगा 9 कार्बन के लिए हाँ या ना। ठीक है क्लियर है समझ गए हैं आओ यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दिस इज आई जिसमें नंबर से लिखा जाता है आई नहीं लिख सकते आरजू बेटा वो अभी आगे आएगा ठीक है अब आ जाओ थोड़ा यहां पे आ जाओ वन मिथाइल प्रोपाइल टू टू सेवन ट्राई मिथाइल नॉन एन टू टू सेवन ट्राई मिथाइल फोर में वन मिथाइल प्रोपाइल नॉन एन ठीक है चलो अब आ जाओ जैसे कि मान लिया जैसे कि मान लिया हमने ये किया ये वाला क्वेश्चन समझ आया एक बार और लोग कह रहे हैं रुक जाओ एक बार और सिखा दो रुक जाओ देखो सबसे पहले आप कॉम्प्लेक्स सब्सटीटेंट की नेमिंग करो फोर पे कॉम्प्लेक्स सब्सटीटेंट है कॉम्प्लेक्स कैसे पहचाने साइड चेन के अंदर साइड चेन दिख रहा है ठीक है वन पे साइड चेन है चलो तो मैंने लिखा फोर अब इसमें देखोगे वन पे क्या दिख रहा है मिथाइल फोर में क्या लिख रहा, रहा है वन पे मिथाइल लिख रहा है वन पे मिथाइल है और फिर ये तीन कार्बन है इसलिए प्रोपाइल वन मिथाइल और फिर आ जाएगा आपके पास प्रोपाइल कोई दिक्कत नहीं फोर्थ में वन मिथाइल प्रोपाइल एब्सोल्युटली क्लियर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है नाउ फोर पे वन मिथाइल प्रोपाइल हो गया अब देखोगे टू कॉमा टू कॉमा सेवन ट्राई अब देखो जो बाकी के सब्सटीट्यूएंट हैं टू कॉमा टू कॉमा सेवन ट्राई टू कॉमा टू कॉमा सेवन ट्राई मिथाइल कार्बन है बेटा इसके लिए हम क्या कह रहे हैं नॉनेन टू टू नॉनेन हाँ या ना ठीक है समझ में आया नहीं आएगा बेटा ये वाला चलो आगे बढ़ो टेस्ट में ये वाला पोर्शन नहीं आ रहा है अब आगे बढ़ो चार कार्बन है तो ब्यूटेन क्यों अरे प्रिंसिपल कार्बन चेन लिखते हैं भाई प्रिंसिपल कार्बन चेन लिखते हैं टोटल कार्बन चेन थोड़ी लिखते हैं ठीक है ठीके? क्लियर है समझ में आया समझ में आया प्रोपेन आना चाहिए बेटा ये सबस्टिट्यूंट है प्रोपाइल आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसमें कैसे दिखा पहले कॉम्प्लेक्स लिखना है बाद में नॉर्मल लिखना है पहले कॉम्प्लेक्स लिखना है बाद में नॉर्मल लिखना है कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं है समझ गए या ना, समझ गए हैं या ना, बोलो बेटा चलो ब्रैकेट के बाद हाइफ़न नहीं लगाएंगे बेटा कई बुक्स में लगाते हैं कई बुक्स में नहीं लगाते हैं इसमें भी कोई आपका मतलब आ, आ, वो लगाएंगे भी तो भी ठीक है नहीं भी लगाएंगे तो भी ठीक है आइए अब आ जाते हैं बेटा बड़ा सिंपल सिंपल आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन है फटाफट से नंबरिंग करते जाना है और आपको आंसर देना है चलो इसका नंबर नाम बताइए प्रैक्टिस करते हैं फटाफट से चलो कम ऑन एवरीबॉडी यहां पे आओ तो आपके पास देखो यहां पे दो क्वेश्चन है दो क्वेश्चन आ जाओ जैसे ये देखो मैं लेफ्ट से नंबरिंग करूंगा वन टू थ्री राइट से करूंगा फोर फाइव सिक्स सेवन अब आप देखोगे तो थ्री पे कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूंट है थ्री पे कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूंट है तो कॉम्प्लेक्स की नेमिंग ऐसे करोगे वन कॉमा टू ये क्या है वन मिथाइल ये क्या है बेटा वन मिथाइल सुनोगे वन मिथाइल और दो कार्बन है तो इथाइल आ गया तो वन मिथाइल इथाइल क्या ये कॉम्प्लेक्स सब्सटीटेंट समझ आया और ये कहां है थर्ड थर्ड का उस पर काउंटिंग नंबर थर्ड पे वन पे क्या आ रहा है मिथाइल टू पे क्या रहा है इथाइल और यह थ्री मिथाइल इथाइल सात कार्बन है इसलिए बेटा आ जाएगा हेप्टेन सात कार्बन है इसलिए आ जाएगा हेप्टेन कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है थ्री पे वन मिथाइल इथाइल और फिर आ जाएगा हेप्टेन नाउ यहां पे आइए यहां पे आइए

थ्री पे पता लगा कि कॉम्प्लेक्स है समझ आया अब थ्री पे कॉम्प्लेक्स है, आ जाएगा मिथाइल टू है मिथाइल जी और चार कार्बन है इसलिए क्या दे रहे हैं बेटा ब्यूटाइल तो टू मिथाइल ब्यूटाइल कोई प्रॉब्लम नहीं है टू मिथाइल ब्यूटाइल अब आ ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया जो कि थर्ड थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया जो कि थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है अब आ जाओ ये है फोर इथाइल और ये है सिक्स मिथाइल तो बेटा आगे लिख देंगे फोर इथाइल और फिर आ जाएगा बेटा सिक्स मिथाइल और कितने टोटल कार्बन है नौ कार्बन है इसलिए नॉनेन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है समझ गए ऊपर से करेंगे तो दस कार्बन आएगा अच्छा तो एक दो तीन चार पांच बिल्कुल सही कह रहे हो छ सात आठ नौ दस ग्यारह हाँ यार बात तो सही कह रहे हो तो ये थोड़ा सा कम कर देते हैं या तो है ना थोड़ा सा कम कर देते हैं चलो फिर तो फिर चेंज करते हैं सिंपल है चलो फिर चेंज करते हैं आओ क्वेश्चन रहने देते हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूट बनाने के चक्कर में ना ये अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो मैं यहां से करूंगा इट इज कार्बन नंबर वन कार्बन नंबर टू कार्बन नंबर थ्री कार्बन नंबर फोर यहां फाइव यहां सिक्स कार्बन चेन लेंगे अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेने गए अब इसको कॉम्प्लेक्स बचा ही नहीं तीन पे मिथाइल है फाइव पे इथाइल है सिक्स पे इथाइल है आठ पे मिथाइल है क्या आ जाएगा देखो यहां परमा एट डाई मिथाइल क्या आएगा थ्री कॉमा एट डाई मिथाइल समझ गए थ्री कॉमा एट डाइमिथाइल है ये तो मिथाइल हो गया मिथाइल बाद में आएगा पहले तो कॉमा सिक्स फाइव कॉमा सिक्स डाई इथाइल फिर आएगा थ्री कॉमा एट डाई मिथाइल ठीक है फिर आएगा थ्री कॉमा एट डाई मिथाइल और कुछ आ रहा है नहीं ग्यारह कार्बन के लिए अंडेक होता है और कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है अनडेकेन समझ गए क्लियर है अच्छा कई लोग कह रहे कि सर इसको नीचे से नंबरिंग करो नहीं बेटा एक दो तीन चार पांच छ सात ओके तो जब आप इसको नीचे से नंबरिंग करोगे तो यहां पे ना एक काम करो नीचे से नंबरिंग मत करो आप एक काम करो इसको यहां से 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 उड़ा दो चलो इस क्वेश्चन को ऐसे करना होगा वन कॉमा एक दो तीन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा या तो इनफैक्ट ज्यादा बेटर होगा ठीक है अब इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑर्डर करते हैं मैंने दोनों में कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सिट्यूंट लगा दिया था खैर आते हैं वन टू थ्री फोर फाइव इधर से आएंगे थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट थोड़ा सा नोट्स गलत हो गया होगा बट कोई बात नहीं अब ये जाके सही हो गया अब होगा फोर पे आएगा आपके पास वन मिथाइल इथाइल फोर पे आ गया वन मिथाइल इथाइल और लास्ट में बेटा आपके पास आ जाएगा ऑक्टेन ठीक है फोर मिथाइल इथाइल ऑक्टेन ठीक है ब्रांचिंग ज्यादा हो गई है कोई बात नहीं अब जब मैं इधर से करूंगा तो आठ नहीं आ पाएगा एक दो तीन चार पांच छ पाएगा इसलिए अब ये सही है ठीक है ऊपर वाला भी चेंज नीचे वाला भी चेंज ठीक है कॉम्प्लेक्स बनाने के चक्कर में ना वो क्या होता है कि साइड चेन भूल जाता है इंसान या फिर क्या होता है कि नंबर ऑफ ब्रांचिंग भूल जाएगा नंबर ऑफ कार्बन भूल जाएगा ठीक है क्लियर है बट आपको वही रूल फॉलो करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस लोएस्ट स्लोकेंट रूल लोएस्ट सम रूल फिर आपके पास अल्फाबेटिकल रूल इससे सैचुरेटेड की नेमिंग होगी इससे सैचुरेटेड की नेमिंग होगी अब आओ अब आओ थोड़ा वन मिथाइल इथाइल बिल्कुल अब यहां पे आओ जैसे कोई भी अगर आपके पास साइक्लिक कंपाउंड है तो यूज यूज वन डिग्री प्रीफिक्स उसके लिए क्या करोगे आप साइक्लो इस्तेमाल करोगे यूज वन डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो थोड़ा गौर से समझना वन डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो इस्तेमाल करोगे देखो जैसे मैंने क्या किया ये ये बनाया जैसे दूसरा कंपाउंड अपन ने ये बनाया तीसरा कंपाउंड बेटा पेंटेन अपन ने ये बनाया

फिर आ जाएगा प्रॉप कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो सिंपल आप लिख सकते हो एन उसी तरह यहां गए यह क्या है बेटा आपके पास साइक्लो और कितने कार्बन है चार तो क्या हो जाएगा आपके पास ब्यूट और क्या होगा आपके पास सिंपल एन साइक्लो ब्यूट एन यहां पर आओ क्या आपके पास प्रीफिक्स आया वन डिग्री प्रीफिक्स आया फिर वर्ड रूट कितना आया पांच कार्बन के लिए पेंट आ जाएगा कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो सिंपल एन आ जाएगा सिमिलरली पे इट इज साइक्लो आ जाएगा कार्बन है तो सिंपल हेक्स आ जाएगा उसके बाद कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो ये आ जाएगा एन आपके पास हेक्सेन और इसमें ये एक भी लगा हुआ है तो सब्सटिट्यूएंट की नेमिंग सबसे पहली होनी चाहिए सब्सटिट्यूएंट की नेमिंग ऐसे होनी चाहिए जिसमें जिसमें सबसे लोएस्ट लोकेंड रूल हो आप सीधा करोगे वन पे क्या रहा इथाइल इथाइल ये क्या हुआ दिस इज टू डिग्री प्रिफिक्स. क्या इसमें, हाँ इसमें छबन वूट आ गया सर एन इन और आईन आएगा सर एन आ जाएगा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं ठीक है।, है जैसे मैं आपको अगर पूछना चाहूं जैसे यही है इधर इथाइल और इधर है क्या करोगे नंबरिंग आप बेटा इथाइल को दोगे फिर यहां पे किसको नंबरिंग दोगे मिथाइल को दोगे क्यों इथाइल का ई प्रायोरिटी पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर फिर नॉर्मल आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स दोगे तो देखो इथाइल को पहले लिखते हैं सिंपल आ गया वन इथाइल इसके बाद हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो टू आ जाएगा मिथाइल ये क्या हुआ टू डिग्री प्रीफिक्स वन डिग्री प्रीफिक्स है बिल्कुल है तो आ जाएगा साइक्लो उसके बाद क्या आता है वर्ड रूट तो छह कार्बन के लिए बेटा आ जाएगा हेक्स कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो आ जाएगा एन समझ रहे हैं क्लियर है कोई दिक्कत नहीं होगी बहुत बढ़िया ठीक है समझ रहे हैं आगे बढ़े चलो साइक्लिक में अब जैसे मान लो आपके पास साइक्लिक हो गया अब जैसे आपके पास ये कुछ आपके, आपके साइक्लोहेक्सेन है और यहां पे मैंने मिथाइल दो लगा दिया और आपके पास एक इथाइल लगा दिया मुझे बताओ नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी और नाम क्या होगा नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी और नाम क्या होगा तो नंबरिंग स्टार्ट होगी बेटा यहां से इट इज वन फिर नंबरिंग स्टार्ट होगी टू यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी थ्री यहां होगा फोर यहां होगा फाइव यहां होगा सिक्स नंबरिंग स्टार्ट होगी तो ये होगा वन पे इथाइल हा फिर आपके पास क्या होगा क्योंकि इथाइल का ई पहले आएगा फिर आएगा आपके पास टू कॉमा थ्री डाइ मिथाइल लिख सकते हैं तो ये सारा का सारा का वन डिग्री टू डिग्री प्रिफिक्स आया टू डिग्री प्रिफिक्स के बाद हम लिखते हैं वन डिग्री प्रिफिक्स जो कि वन डिग्री प्रिफिक्स साइक्लिक कंपाउंड में रिंग में चेन में आता है क्लोज चेन में अब आ जाओ साइक्लो आ गया वर्ल्ड रूट देखने गए तो हमारे पास सिंपल हेक्स रहेगा कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है इसलिए मैं एन बोलूंगा या ना क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है बोलो बेटा समझ में आया या नहीं आया बोलो कोई दिक्कत नहीं है समझ में भी बहुत अच्छे से आ रहा होगा जैसे मान लो मैं आपको बोलू यहां पे दिस इज ब्यूटेन ठीक है अब ब्यूटेन में आपके पास ये मैं तीनों लगा दू अब नंबरिंग कहां से करें और कैसे करें नंबरिंग कहां से करें और कैसे करें सो दैट आंसर आए ठीक है वैशाली शमीर अनम हरिओम शुयस अंतिमा बहुत अच्छा अमेजिंग मैं विश प्रियंका राजेश बहुत अच्छा नाइस nice है श्रुति बहुत बढ़िया बेटा आ जाओ हम अल्फाबेटिकल रूल के हिसाब से चलेंगे तो इथाइल का ई पहले आएगा सो देयरफॉर फोर नंबरिंग वन टू हो जाएगी आप नहीं इसको भी कर सकते हो वन और टू कोई दिक्कत नहीं है फिर यहां पे आ जाएगा थ्री यहां पे आ जाएगा फोर आप देखो वन कोमा टू डाइल लिख सकते हैं कि नहीं वन कोमा टू डाइल लिखेंगे बहुत अच्छा वन टू डाई फिर लिखेंगे बिल्कुल सही है ये तो आया टू डिग्री प्रीफिक्स इसके बाद क्या आता है वन डिग्री प्रीफिक्स वन डिग्री प्रीफिक्स में बेटा आ जाता है साइक्लो उसके बाद आपके पास आता है चार के लिए ब्यूट और एन आ जाएगा हाँ या ना चार के लिए ब्यूट और एन आ जाएगा बहुत बढ़िया चार के लिए ब्यूट आ गया और एन आ गया ठीक है क्लियर है कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है शालू मिश्रा जी आप भी हैं बहुत बढ़िया आइए जैसे कि अगर मैं दो साइकिल यहां पर जोड़ दूं जैसे मान लीजिए आपके पास जैसे मान लीजिए पेंटेन है साइक्लोपेंटेन है इसमें इथाइल जोड़ू मिथाइल जोड़ू और यहां पे मिथाइल जोड़ू अब मुझे आप नंबरिंग बताइए अब मुझे आप नंबरिंग बताइए <coughs> सॉरी है ना दिन भर एसी में रहते रहते हालत खराब हो जाती है सुबह आया फिर क्लास फिर बैठो फिर क्लास फिर बैठो फिर, बैठो, फिर क्लास खाना खाने का फुर्सत नहीं मिलता आपको पता है आई डोंट ईट घर वालों ने एक तरह से त्यागी दिया है तो सुनोगे तो हो या नहीं काम ही काम है पता नहीं कैसे बच्चे हैं और कैसा पढ़ाई कराते हो चल रहा है आप क्या करें ठीक है चलो आ जाओ टूडे यू आर लाइक प्यारे बाबू <laughs> चलो आ जाओ बेटा यहां पे यहां पे आते हैं नंबरिंग जब करेंगे वन इथाइल से नंबरिंग करेंगे टू थ्री और फोर ठीक है आप देखोगे सबसे पहले लोएस्ट लोकेंट रूल आपको देना है सबसे पहले लोएस्ट लोकेंट रूल वन, टू, थ्री, फोर। ऐसे भी वन टू थ्री फोर आ रहा है इधर से अल्फाबेटिकल फॉलो करके वन टू थ्री फोर आ रहा है चलो तो यहां पे सबसे पहले टू डिग्री प्रीफिक्स लिखोगे वन इथाइल फिर आप लिखोगे बेटा टू कॉमत फोर डाइमिथाइल फिर क्या लिख रहे हो टू कॉमा फोर डाइमिथाइल फिर आ रहा है वन डिग्री दैट इज साइ, साइक्लो और पांच कार्बन के लिए क्या आ रहा है बेटा पेंटेन कोई प्रॉब्लम नहीं है ना वन इथल टू फोर हाँ या ना बोलना पड़ेगा क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है बोलो वन इथाइल टू फोर डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन हा चलो अगर मैं अगर मैं आपके पास यहां पे आता हूं साइक्लोपेंटेन और यहां पे मैंने क्या किया है डबल बॉन्ड लगा दिया है बताओ डबल बॉन्ड लगा दिया फिजिकल केमिस्ट्री आप पढ़ाओ पक्का पढ़ा तो रहे हैं अर्नर सर इतना अच्छा तो पढ़ाते हैं सब बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं पढ़ो क्लियर क्रिस्टल क्लियर समझ में आया कि नहीं आया समझ में आया कि नहीं आया आया होगा समझ में आया होगा चलिए अब आइए देखो सबसे पहले डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलती है किसी भी नेमिंग कंपाउंड में तो बेटा डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी दोगे वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव ठीक है फिर आप जाओगे लोएस्ट लोकेंट रूल वगैरह देखना आप जाओ यहां पे देखो वन कॉमा फाइव डाइमिथाइल वन कॉमा फाइव डाइमिथाइल साइक्लो पेंट वन इन वन कॉमा फाइव डाइमिथाइल साइक्लो पेंट वन इन ठीक है क्लियर है कोई प्रॉब्लम नहीं है समझ में आया कि नहीं आया वन कॉमा फाइव डाई मिथाइल साइक्लो पेंट वन इन ठीक है चलो तो एक पोर्शन यहां तक खत्म हुआ आपका वाला आ, कल से हम डबल ये पढ़ने वाले हैं ठीक है थीके? तो अभी और तो पच हो जाएगा तो आज थोड़ी छोटी क्लास रखते हैं की बिगर क्लास ठीक है तब तक आपसे मैं कुछ बात कर लेता हूं मैं भी पढ़ाऊंगा फिजिकल केमिस्ट्री लो चलो नीचे से नंबर नहीं दे सकते अच्छा कई लोग कहेंगे यहां से ऐसे नंबर दे दो एक और तरीका है इसको एक और तरीका कई लोग ऐसे कह रहे होंगे रुक जाओ इसको किधर से नंबर दे कई लोग कहेंगे one, two, three. इससे क्या हो रहा है इससे क्या हो रहा है बेटा आपके पास अच्छा रुको दो मिनट के लिए इसको मिटाते हैं इसको आप थोड़ा सोच के आना होमवर्क क्वेश्चन के लिए कि मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं वट अकॉर्डिंग टू यू इज द बेस्ट वन वन टू थ्री फोर फाइव या फिर वन टू थ्री फोर फाइव दोनों में से कौन सा सही है ये ये वाला लेफ्ट वाला की राइट वाला चलो अब आ जाओ आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना टेंशन ले रहे हो पढ़ाएंगे ना टेंशन ना लो किसी बात का हम्म तेरी उम्र के नौजवान दिल न लगाना चलो एक शायरी सुनाता हूँ आपको थोड़ा इरशाद इरशाद करो एक शायरी सुनाता हूँ आपको अगर मेरे पास है तो सुनो 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 बहुत 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 काम की बात है आपके लिए बहुत काम की बात है आ जाओ दिल आज तकलीफ में है दिल आज तकलीफ में है और तकलीफ देने वाला दिल में है दिल आज तकलीफ में है और तकलीफ देने वाला दिल में है क्या बात है क्या बात है कितना शानदार मैं शायरी कह देता हूं कभी कभी है ना चलो बाय बाय थैंक यू